नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए बच्चों को बताई परीक्षाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें। आज स्थानीय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 सहित लगभग सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री के मन की बात का वाचन रेडियो के द्वारा बच्चों को सुनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने इन बच्चों को परीक्षाओं के दौरान तनाव मुक्त रहने एवं अच्छा प्रदर्शन करने हेतु कई महत्वपूर्ण बातें बताई। इस मौके पर स्कूल के सभी बच्चों सहित स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। साथ ही अन्य कई स्कूलों में इसका वाचन प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव भी दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं को परीक्षा के समय तनाव से मुक्त रहने के गुर सिखाते हुए नजर आए। आज क्या है, बच्चों की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बच्चों को संबोधित किया जा रहा है कि वो परीक्षा में कैसे तैयारी करें और बिना डर भय के चिंता मुक्त होकर अच्छी तरह से तैयारी करें और तैयारी के साथ अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में सम्मिलित हों ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी सफलता परीक्षा में मिल सके। तो ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा जो बच्चों को अपनी बात के द्वारा मन की बात कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो रेडियो प्रसारण के द्वारा बच्चों को यहाँ एकत्रित करके उनका संबोधन सुनवाया जा रहा है और उसके कारण माहौल बदला है और दूसरे उसकी मदद की है मीडिया ने। स्वच्छ भारत अभियान को मीडिया ने इतनी ताकत देना सकारात्मक रूप दिया कि आज वो हर एक जिलों आम सुरक्षा पर जवान अंदर विद्यालय गोमेशपुर दिल्ली और क्लास 11 में क्वेश्चन इज ड्यूरिंग नॉमिनेशन इज पार्ट ऑफ इंक्लूडिंग prepared and confident, there is a feeling of nervousness when exam is over. So how can you cope up with this? तो मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे एक विद्यार्थी के नाते माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी छात्रों को जो परीक्षाओं के समय घबराहट होती है, परीक्षाओं के समय कैसे सामना करें उस पर परिचर्चा कर रहे हैं। इसमें सभी छात्रों का आयोजन किया गया है। 11:45 से परिचर्चा शुरू हुई है, 1 घंटे तक चलेगी। छात्रों के जो प्रश्न होंगे उनके भी जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। आज गायत्री मंदिर में शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधियों द्वारा जिले भर के पदाधिकारियों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में वर्ष 2018 में किस प्रकार गायत्री परिवार का कार्य करना है इस विषय पर चर्चा की गई। साथ ही युवाओं को रोजगार को लेकर भी यहां पर कई निर्णय लिए गए। यहां गायत्री परिवार के मीडिया प्रभारी ने बताया कि गायत्री परिवार द्वारा बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा जिससे उन्हें रोजगार के कई अवसर प्राप्त होंगे। यहां प्रशिक्षण समस्त जिलों एवं तहसीलों पर गायत्री परिवार द्वारा दिया जाएगा। यही है हमारा यश हो, हमें लोग जाने, हमें लोग पूजे, तो ये कामना से ही है। ये इसको विश्राम भाव से हम उनकी आराधना में लगे, मतलब उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने में लगे, सेवा में लगे। तो निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण बहुत आवश्यक है, करना बहुत जरूरी है। कोई स्वार्थ वाली कितने चोरियां कर जाएंगी। एक कहानी सुना के बाद अपने समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति एक पेंटर को बुलाया और उसने कहा कि हमारा ये मकान है, हमारे पेंटर को जितना मजदूरी मिलना चाहिए, अपना मजदूरी लिया, अपना घर चला गया। शाम को जो मालिक था, तो एक ही मार्ग है लोक सेवा, निस्वार्थ लोक सेवा, लोक कल्याण में हमारा हाथ
कल्याण सन्निहित है। हृदय में प्रज्ञापुरण लिखा है तो प्रज्ञापुरण आज शांति कुंज हरिद्वार से प्रतिनिधियों द्वारा संपूर्ण गुना जिले की मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें गोष्ठी में आज आगामी साल 2018 में जो कार्य योजना बनाई जाएगी इस पर आज सभी तहसील के जिला संयोजक, यहाँ के ट्रस्टी एवं आगामी समय आज जो गायत्री परिवार जिस माध्यम से कार्य कर रहा है, आगामी समय में युवा जो आज बेरोजगार है उसके लिए गायत्री परिवार इस संदर्भ में अग्रसर हुआ है और गायत्री परिवार ने आज इस संकल्प के साथ आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ करने का आज निर्णय भी लिया है, जिसमें गायत्री शक्तिपीठ गुना पर एक वर्ष के अंतर्गत रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण का प्रारंभ वर्ष में दो बार किया जाएगा। साथ ही विभिन्न तहसील के जो शक्तिपीठ हैं उन पर भी प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाएंगे। ये प्रशिक्षण की व्यवस्था शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा के माध्यम से की जाएगी, जो कि गायत्री शक्तिपीठ पर की जाएगी। आज इसी के संदर्भ में यहाँ पर इस संदर्भ में आयोजन किया गया। आरटीओ विभाग गुना द्वारा आज यात्री बसों पर चेकिंग की गई, साथ ही अनियमितताएं पाए जाने पर इन पर चालानी कार्रवाई भी की गई। यहां आरटीओ अधिकारी ने बताया कि वह बसों के परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस एवं प्रदूषण संबंधी जांच कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। नहीं दिख रहा है इस पर भी, बिना भी बात की गाड़ी चला रहे। सारी चीज़ें देख रहे हैं, परमिट, फिटनेस का जो भी है, प्रदूषण कार्ड है कि नहीं, गाड़ी प्रॉपरली है कि नहीं चल रही है, फिटमेंट है कि नहीं उसमें स्पीड गवर्नर का, इंश्योरेंस है कि नहीं, प्रदूषण कार्ड है कि नहीं, सारी चीज़ सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए सर। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने हेतु आज गुना जिले के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन देने के लिए युवाजन एक विशाल जुलूस के रूप में विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस रैली के दौरान युवाओं ने जमकर प्रदेश सरकार एवं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी भी की। युवाओं की मांग थी कि ओपन भर्ती परीक्षा को बंद किया जाए एवं एक ही पेपर पद्धति लागू हो। साथ ही युवाओं का कहना है कि अन्य प्रदेशों में बाहरी प्रदेश के युवाओं को 2-5% आरक्षण मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अन्य प्रदेश के युवाओं को 100% आरक्षण दिया गया, जिसमें प्रदेश के युवा बेरोजगार रह गए। यहां युवाओं द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती जो कि अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 तक चली थी, इसमें प्रदेश के बाहर के युवाओं का जनरल कैटेगरी में 100% तक चयन किया गया, जिससे कि प्रदेश के कई युवा बेरोजगार रह गए। साथ ही यहाँ के युवाओं ने प्रदेश सरकार को इनकी मांगे मानने के लिए 20 फरवरी तक का समय दिया है। साथ ही इनकी मांगे अगर नहीं मानी गईं, तो 20 तारीख के बाद युवाओं ने प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन की धमकी भी दी है। चयन तो हो गया है, यह प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ सरासर अन्याय हुआ है, क्योंकि पीछे रहो।
भर्ती की जाती है उसमें 2-5% अन्य राज्यों के लिए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश अपना पहला राज्य ऐसा है जिसमें जनरल की कैटेगरी को 100% ओपन रखा है। 1500 स्टूडेंट अदर स्टेट के आए हैं, और जबकि जनरल के 1293 लड़के लगे हैं और 2000 लड़के ओबीसी वाले। अगर ये 1500 लड़के जो बाहर के लगे हैं उसकी जगह अगर प्रदेश के लगते तो आज न जाने हमारे आसपास भी कितनों को रोजगार मिलता। ये उस समय के जो 1928 में साइमन कमीशन आया था उसकी तरह है। साइमन कमीशन में बाहरियों के लिए जगह थी, अंग्रेजों के लिए जगह थी, इसमें भी उसी की तरह बाहरियों के लिए जगह है, ना कि अपने प्रदेश के लिए। एक काला कानून है। और अगर हमारी ये मांगे हैं अगर पूरी नहीं हुई तो 20 तारीख तक का टाइम दिया है हमने। अगर 20 तारीख तक का हमारी मांगे पूरी नहीं की तो 21 तारीख को हम धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे और समस्त मध्य प्रदेश में ये आंदोलन की आग फैलाएंगे। बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोड़का मोड़की के ग्रामीण आज विद्युत मंडल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनके गांव में किसी के भी घर पर विद्युत कनेक्शन नहीं है, लेकिन समस्त ग्रामीणों को विद्युत विभाग के द्वारा ₹212 के हिसाब से बिजली के बिल भेज दिए गए हैं। इसी को लेकर ग्रामीण विद्युत विभाग के अधिकारी से मिले, लेकिन अगर विद्युत अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि जिन लोगों को भी बिल भेजे गए हैं उन सभी के विद्युत कनेक्शन हैं, जिनके घर में विद्युत कनेक्शन नहीं है वहां बिल नहीं भेजा गया। उधर निकल जाओ कुछ बाहर चल जाए। इनके गांव में ना तो अभी तक तार खींचे हैं, ना डीपी रखी हुई है और ना इन्होंने कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, और उसके लिए सभी लोगों को 212 रुपए का पूरे गांव में मिला गया। बिजली उपयोग नहीं कर रहे लोग, कुछ नहीं अभी तो उनका कहना है कि बिल इनको आ गए हैं, तो हमारा मेरा कहना ये कि इन्होंने बिजली का उपयोग जो कर रहे हैं उन्हीं लोग को हम बिल दे रहे हैं, जो बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको बिल नहीं दिए है ना। हमने इसका बकायदा जानकारी लेने के बाद ही इनके बिल जारी हुए, इनको तभी कनेक्शन दिया। ये क्या है, बमोरी विधानसभा में गाँव है ग्राम मोड़की, मोड़का मोड़की है, वहाँ पूरी बस्ती लोधा समाज की है और लोधा समाज का युवा अध्यक्ष होने के नाते इन लोगों के साथ में आया हूँ। तो इनकी परेशानी ये है कि मोड़की में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बिजली यूज नहीं कर रहे हैं, और पंप की जो बिजली यूज कर रहे हैं वो पंपों पे कर रहे हैं, गांव में कोई बिजली यूज नहीं हो रही। उसके बाद बिल आ रहा है, इसके बावजूद भी इन लोगों के लिए पूरे गांव में पूरे घरों में 212 रुपए का बिल कंपनी ने दे दिया है, और NTPC जो लाइन है उसकी ना तो अभी DP रखी हुई है, ना लाइन खींची हुई है, ना तार खींचे हैं, और ना इन्होंने कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है। इसके बावजूद भी 212 रुपए के सबको बिल आ गए हैं, और उस बात को लेकर पूरे ग्रामीण चिंतित हैं, क्योंकि अभी किसान वैसे ही तो बहुत परेशान हैं, और उसी के बाद ये 212 रुपए की और इनके ऊपर परेशानी बढ़ गई है। अब आप मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? अभी हम साहब से मिले थे, विद्युत जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम चेक कराएंगे, और जो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री द्वारा जो सौभाग्य योजना चल रही है तो उसके तहत हमने सभी लोगों को कनेक्शन दे दिए हैं, इसलिए ये बिल पहुँचे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चयनित महिला प्रेरकों के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को राधोगढ़ एवं बमोरी विकासखंड की महिला प्रेरकों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 60 महिला प्रेरकों ने हिस्सा लिया। साथ ही यहां प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें पंचायत स्तर पर काम भी सौंपे जाएंगे। अच्छा मान लीजिए मैं तो मैं जितना भी हो सकता मैं 15 दिन के अंदर में कर दूँ। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। जी कह रही है कि 15 दिन में हम खुले में शौच मुक्त। देखिए मेरा गांव है, वो कहती मेरा गांव है, तो आपके पास तो बहुत ऑर्डर होगा ना कार आगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही आपको कार आगे देंगे। ठीक है, अगर आज ही देंगे तो दिक्कत नहीं ना, है ना। कितने लोग अपनी ग्राम पंचायत में काम करना चाहते हैं? नहीं चाहते, घर को साफ नहीं करते।
ये कार्यक्रम है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो महिला प्रेरकों का चयन किया गया है, जो अपनी जो पंचायतें हैं जिनको ODF करवाना है शासन के द्वारा, उनमें महिला प्रेरकों की भर्ती करी गई है और उनको तीन दिवसीय प्रशिक्षण है इसका। कहाँ की करी है? ये दो ब्लॉकों की है, विकासखंडों की। एक तो राघोगढ़ ब्लॉक से हैं, इसमें 34 महिलाएं और 20-22 महिलाएं अपने बमौरी की हैं। 60 महिलाएं टोटल अपनी यहाँ की महिलाएं आई हैं जो प्रशिक्षण ले रही हैं। ये आखिरी दिवस है इनका, ये प्रशिक्षण ले लेंगी, इसके बाद इनको पंचायतें अलॉट कर दी जाएंगी, इसके बाद ये महिलाएं वहाँ प्रेरक के रूप में कार्य करेंगी। गुना जिले के शासकीय स्कूलों में प्रदेश सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी। इसी क्रम में 24 स्कूलों के 1119 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण के लिए चयनित किया गया है, जिन्हें बहुत ही जल्द यह साइकिल स्कूल प्रशासन द्वारा वितरित की जाएगी। ₹1119 साइकिलें प्राप्त हुई है, जिसमें हाई स्कूल हाई सेकेंडरी कक्षा 9 के लिए वितरण कर रहे हैं। अभी क्या है कि हमने 4-5 स्कूलों के लिए दे चुके हैं, ठीक है, और अभी तो और सी है। ये तो स्कूल तो संख्या तो ज़्यादा है, 24 संख्या है कुछ। अच्छा, 24 स्कूलों में जाना है ये आजकल में माने हो जाएगा। SUCI के नेतृत्व में आज बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन गुना सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ SUCI ने नारेबाजी की। साथ ही सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराते हुए कहा कि सरकार को युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, और पूरा देश इस बात से पीड़ित है कि हमारे देश की सरकार ने प्रतिवर्ष 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर 60 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकार उनको रोजगार नहीं दे रही है। और जो लोग 60 करोड़ लोग काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम वेतन भी लागू नहीं किया गया है। इसलिए आज पूरे प्रदेश की राजधानी से लेकर गुना में और ग्वालियर में हर जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि रिक्त पड़े पदों को भर रही सरकार। और ये मांग की जा रही है, जब तक सरकार रोजगार नहीं देती तब तक जीवन जीने लायक भत्ता सरकार दे, ये मांग हम कर रहे हैं। इसीलिए रोजगार पाना हमारा नैसर्गिक अधिकार है, जिस ढंग से पानी मिलना नैसर्गिक अधिकार है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो रोजगार उपलब्ध कराए। सरकार सब्सिडी के नाम पर सब्सिडी जनता छोड़ रही है बात कर रही है, जनता सब्सिडी छोड़ेगी लेकिन हमारे नेता सब्सिडी लेंगे। जनता को पेंशन नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, लेकिन एक दिन के लिए कोई विधायक सांसद बन जाए तो पूरी जिंदगी उनको पेंशन मिलेगी। हम इस बात का विरोध करते हैं कि आम जनता की सुविधाओं को लेकर सरकार को ख्याल रखना चाहिए, रोजगार के अवसर सृजित करने चाहिए, नए अस्पताल स्कूल बनाने चाहिए ताकि नए रोजगार के अवसर मिले। राधोगढ़ क्षेत्र में कम वर्षा के चलते गहराया जल संकट। इस बार कम वर्षा के चलते राधोगढ़ ब्लॉक में अभी से ही जल संकट गहरा गया है। अगर किसानों की बात की जाए तो इस बार किसानों ने चना और धनिया की फसल अधिक बुआई की थी, क्योंकि धनिया और चना की फसल कम पानी में पक जाती है। साथ ही पानी की कमी को देखते हुए किसानों ने गेहूं की फसल कम मात्रा में बुआई की थी। कम बारिश के कारण जो नदियां 12 महीने बहती थीं, उन नदियों में इस समय एक बूंद भी पानी नहीं बचा। वहीं अगर पीने की पानी की बात करें तो इस बार सरकारी कुओं का जल स्तर भी काफी नीचे पहुंच गया, जबकि कई कुएं सूखे पड़े हैं और कई सरकारी कुओं का पानी प्रदूषण के कारण पीने योग्य नहीं बचा। अगर अधिकारियों की माने तो राधोगढ़ ब्लॉक में 1479 हैंडपंप हैं, जिनमें से 96 हैंडपंप बंद पड़े हैं। वहीं नल जल योजना की बात करें
तो अधिकारियों का कहना है कि राधोगढ़ ब्लॉक में 50 नल जल योजना है जिसमें लगभग सभी चालू हैं, जबकि सच तो ये है कि कई जगह नल जल योजना के कई सालों से बंद पड़ी हैं, कई लाइनें लीकेज हैं, तो कहीं पर नल जल योजना आई तो है तब से अभी तक चालू नहीं हो पाई। एक और भले ही मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर नल जल योजना व हैंडपंप लगवा रही है, लेकिन पीएचई विभाग के अधिकारियों की मनमानी व लापरवाही के चलते कई जगह की नल जल योजना व हैंडपंप खराब पड़े हैं। आरोन तहसील में खंड स्तरीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन जनपद पंचायत आरोन में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर राजेश जैन उपस्थित रहे। साथ ही विशेष रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान, सीईओ नीतू माथुर, अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी सहित आदि सभी उपस्थित रहे। साथ ही आरोन के कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे इसी क्रम में सामाजिक न्याय विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं राजस्व आदि विभागों ने अपनी अपनी झांकियों की प्रस्तुतियां दी। तत्पश्चात स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। साथ ही यहां दिव्यांगों को भी तीन पहिया साइकिल वितरित की गई। साथ ही यहां अंत्योदय मेले का ठीक प्रकार से प्रचार प्रसार न होने के कारण कम ही लोग यहां पहुंचे एवं बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी रही। बच्चियों के लिए आपके यहाँ पनवाड़ी में RMSC का हॉस्टल लड़कियों के लिए है, जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की बच्चियां हैं उनके लिए पनवाड़ी में स्कूल है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो आवश्यकता है कि बच्चियों को हम पढ़ाएं। बच्ची पढ़ेगी तो आप मान के चलें कि दो परिवारों का नाम रोशन होता है, एक मायके वाला और एक ससुराल वाला। बच्ची और बच्चे में किसी प्रकार का भेद नहीं है। बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। बच्चियां किसी प्रकार से किसी से कम नहीं है। हमारी अध्यक्ष जी बैठी हैं जिला पंचायत की, वो भी महिला हैं। हमारी CEO जिला पंचायत बैठी है, वो भी महिला हैं। तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि बेटी के पहले जन्म पर, दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये की राशि उसको प्रदाय की जाती है। और जब वो 18 साल की हो जाती है बच्ची तो उसके 1,00,000 रुपये उस बच्ची को मिलते हैं उसकी शादी के लिए, बीच में पढ़ाई के लिए राशि मिलती है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अस्पताल में भी बता रहे थे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पहले 1,400 रुपये में संचालित ना हो रही हो और बड़ी संख्या में ग्रामवासियों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत करता हूँ आपकी। एक बार पुनः जो हमें लक्ष्य मिला है उसमें हम पुनः आज स्वीकृति पत्र को प्रदान करेंगे। हमारे जनपद के अध्यक्ष आदरणीय रघुवंश साहब पधार चुके हैं, मैं स्वागत करूंगा, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जिस ब्लॉक में और कुछ बिका के नहीं तुम्हारा? नहीं सर, बिके अगर अति बिके सर ले लो चार, नहीं तीन दे यार, 410 वापस कर। आज खंड स्तरीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया है और प्रतिवर्ष ये मेले आयोजित किए जाते हैं। जो भी हितग्राही हैं उनको किन किन योजनाओं में क्या क्या फायदा हो सकता है इसकी जानकारी दी जाती है और विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ वितरित किया जाता है। आरोन में अभी पिछले एक साल में लगभग 46 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत वितरित की गई है और आज भी लगभग 3 करोड़ 2 लाख की राशि विभिन्न हितग्राहियों को वितरित की गई है। इसके अलावा पट्टे वितरित किए गए हैं विभिन्न हितग्राहियों को, बच्चों को साइकिलें, दिव्यांगों को ट्राई साइकिलें वितरित की गई, एक हितग्राही को ट्रैक्टर कृषि संयंत्र उपकरण के तहत वितरित किया गया है और शासन कृत संकल्पित है जो भी अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उनके उत्थान के लिए और अंत्योदय मेलों के माध्यम से और वैसे भी समय समय पर शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत लोगों को लाभ दिया जाता है। वो तो देखिए जनता की इच्छा है और अभी थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए, क्योंकि जब मैं 1 बजे आई थी तो काफी लोग थे स्टॉल्स पे, भी काफी लोगों ने जानकारी दी। आरोन से चंद्र सरगवंशी एवं आजाद जैन की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ के उकाबद स्कूल में उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां। शासकीय हाई स्कूल जिसके खुलने का समय 10 बजे का है, वहीं 10:45 तक नहीं खुला। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को भी बच्चों को नहीं सुनाया जा सका, जिसकी कोई भी तैयारी नहीं देखी गई। स्कूल उकाबद तो आज में कितनी बजे तक ताले लगे रहे? मैं सर 10:40 मिनट पे उकाबद स्कूल में आ चुका था, हाई स्कूल में जी।
ठीक है 10:40 पे आया, ताले लगे हुए थे। मैं 11:28 तक उपवाद स्कूल में उपस्थित रहा हूँ जी। ताले लगे हुए हैं, मीना जी 11:30 रोड बस स्टैंड से जो बस से उतरे, उसके बाद मैंने उनका फोटो लिया रोड पे ही, वीडियो भी लिया क्या? वीडियो लिया एक उनका रोड पे जो आते हुए हैं, किस्क सेंटर है रोड पे, उसमें वीडियो लिया है मैंने उनका। ठीक है, इसके बाद स्कूल आया हूँ मैं, तो एक और शिक्षक है हाई स्कूल में ही, क्या नाम है उनका? जैन साहब बोलते हैं उनसे। उनसे मैंने पूछा कि मीना जी कहाँ है, तो उन्होंने बोला है गुना है। ठीक है, मैंने कितने बज रहे हैं, तो मुझे उल्टा जवाब दिया गया है कि 9 बज रहे हैं। मैंने कहा सर अभी तो 11:26 हो रहे हैं, आप 9 कहाँ के हिसाब से बता रहे हैं मुझे। ठीक है, और सर स्कूल का ताला मैंने खोलते हुए वीडियो बनाया है, मीना उसने जैन साहब ने ताला खोला है, मीना जी बैग उठा के गए हैं, आपने वीडियो में देखा होगा। इसके पहले से मेरी एक शिकायत और चल रही है। अच्छा एक मुझे वो बताइए, आज बच्चों को नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनाना थी, तो कुछ कार्यक्रम था रखा क्या इन्होंने? नहीं, हाई स्कूल में कोई कार्यक्रम नहीं है, मिडिल स्कूल में चल रहा है, प्राइमरी में चल रहा है। अच्छा। स्कूल में हाई स्कूल में कोई कार्यक्रम नहीं है, अभी क्लासों में आप देख सकते हैं ताले लगे हुए हैं, खाली प्राचार्य का ऑफिस खुला हुआ है हमारा। अच्छा बच्चे वगैरह भी नहीं? बच्चे एक भी नहीं है हाई स्कूल में। जब हमने वहाँ के एक टीचर विनोद जैन से जब हमने बात करना चाही, तब वह हमसे बात करने में असमर्थ दिखाई दिए, जिसका कारण था स्कूल टाइम में उनके मुंह में दबा हुआ तंबाकू। उन्होंने अपने मुंह में इतना तंबाकू डालकर रखा था, जिसके कारण वह सवाल का जवाब भी ठीक तरीके से नहीं दे पाए। हाई स्कूल में हो मतलब भीतर ऑफिस में हो ना कि क्लास में हो? अच्छा तो सर सर ये स्कूल कितनी बजे खुला था आज आपका? आपने ताला खोला था ना, कितनी बजे खोला है सर? 10 बजे खोला है। टाइम कितनी बजे का है सर? 9:30। अभी आप कहाँ पे हो? ऑफिस में भीतर हो ना सर? नहीं सर। हैं? जी ऑफिस में भीतर हो। आपने तंबाकू खा रखा है ये? अरे जी इस पे आप क्या कहोगे? ऑफिस के भीतर तो तंबाकू नहीं खाना चाहिए सर। हैं? क्या ऑफिस में स्कूल में चाय भी बेचती है? अच्छा खाना भी खपता है? अच्छा कौन खाता है? स्टूडेंट भी खाना खाते हैं, स्कूल में स्टाफ भी खाना खाता है। तो लेकिन सर ऑफिस में आपको तंबाकू, क्लासों में तंबाकू तो नहीं खाना चाहिए क्लासों में ऑफिस में, इस पे तो प्रतिबंध है ना जी। फिर भी आप खा रहे हो? बताइए खा रहे हो ना, आपका मुंह खोल के बताइए। ये तो मने है ना, एक तरफ तो ये पूरा अपना ऑफिस दिख रहा है, ये पूरा ऑफिस में आप बैठे हुए हो, टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम 12:35 होने को जा रहे हैं, आप ऑफिस में हो और तंबाकू खा रहे हो, ये गलत है ना? मुंह से तो बोलिए। क्या नाम है आपका? अनुज। जिसके बाद हम संस्था के प्रिंसिपल रामहित मीना से मिलने पहुंचे। जब हमने उनसे जानना चाहा कि स्कूल में वह 11:30 क्यों आए, तो वह साफ तौर पर मुकर गए और बोले कि मैं तो समय पर आता हूं। इसके बाद उनसे पूछा गया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बच्चों को सुनाया जाना था, कितने बजे सुनाने का समय है? तब उन्होंने बताया 11:45। हमने उनसे पूछा कि क्या सारी तैयारी कर रखी हैं, तो उनका जवाब था कि सभी तैयारियां पूरी हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस समय टाइम क्या हुआ है, तो वह सकपका गए और बोले कि 11:30। बाद में जब हमने उन्हीं के ऑफिस में लगी सामने की घड़ी दिखाई, जिसमें 12:30, जिसके बाद उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि 12:30 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म हो चुका था और वह कोई भी बच्चा नहीं सुन पाया। सर आपका नाम? मेरा नाम रामहित मीना। आप कौन हो स्कूल में? मैं प्रभारी प्राचार्य। तो आज स्कूल कितनी बजे खुला था सर आपका? स्कूल तो टाइम पे खुला है, यहाँ के 9:30 के समथिंग टाइम खुला है। यहाँ के कुछ व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल हुए हैं जो 11:30 के लगभग का स्कूल खुलने का समय बता रहा है, और आपका वीडियो भी वायरल हुआ मार्केट में घूमते हुए। नहीं मैं तो क्या है कि सफल असफल की सूची निकला के DDOs के पासवर्ड से निकलती है, तो बच्चों को कल प्रैक्टिकल है तो उसमें मैसेज दूंगा, इसलिए मैं सर के पास से आ रहा था सफल असफल की सूची लेके। आज के कोई प्रधानमंत्री के भाषणों का भी कुछ कार्यक्रम है क्या स्कूल में? है ना 12:15 में है।
तो उसमें आपने क्या व्यवस्था कराई है यहाँ पर? रेडियो की व्यवस्था करी है, हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। अभी टाइम कितना हो गया है सर? अभी तो 12:30 बज रही है सर अभी। ये साढ़े आपके ऑफिस की घड़ी में 12:30 बजी हुई है सर अभी। इस पे आपके क्या कहना है? नहीं नहीं, हमारे क्या है, जैन साहब ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। कहाँ पे कर रखी है सर? कमरे में कर रखी है। अच्छा, हाँ कहाँ पे है व्यवस्था रेडियो की? सारी क्लासों में तो ताले लगे हुए हैं, आप कह रहे हैं व्यवस्था है। कौन सी क्लास में है सर व्यवस्था? कौन सी क्लास में? इसमें बताइए। एक घंटे बाद चालू होगा, तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक कि रेडियो भी एक ही उपलब्ध था, जैसे ही हमारी सूचना बाकी शिक्षकों को लगी तो उन्होंने आनंद फानन में रेडियो स्टेशन मिलाकर प्रधानमंत्री का भाषण सुनाने लगे, जिसकी हड़बड़ाहट में उन्होंने गलत स्टेशन तक लगा दिया, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनाना है? आप और कुछ सुना रहे हो बच्चों को? और कुछ सुना रहे थे अब से? नहीं नहीं, वो तो खिसक जाती है, वो सही नहीं कर रही है। निकल ही गए कार्यक्रम, आपने रेडियो अब रखा। कार्यक्रम कितनी बजे से था सर? कार्यक्रम कितनी बजे से था मोदी जी का? मोदी जी का कार्यक्रम आप सूचना नहीं दी तो रेडियो कब रखा आपने? अभी हाल रखा है। प्राइमरी क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आनंद शर्मा। तो कोई सूचना नहीं थी बच्चों को रेडियो सुनाने की? तो है, लेकिन हमारा तो रेडियो कार्यक्रम आता है ना, तब सुनाते हम 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद। तो आज नहीं सुनाया मतलब? अभी 1:30 के बाद चलेगा ना रेडियो कार्यक्रम, तो अलग चलता हमारा डेली। अच्छा। चलता तो सोमवार से शुक्रवार। आज नरेंद्र मोदी के भाषण सुना है कि नहीं आपने? नहीं सुना है। समस्या परे है कि इस हाई स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुनने का जो समय पहले से ही मुकर्रर किया गया था, उस समय तक इन्होंने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की, और अब देखने लायक होगा कि इन पर क्या कार्रवाई की जाती है। उकावत से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।